बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिट 3 लेसन 1 एट द फॉर्म की रीडिंग की थी एंड टुडे वी विल डू द एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स और हम इसके मीनिंग को देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है संडे। संडे मीन इतवार, जिस दिन आपको छुट्टी होती थी जब आप स्कूल जाते थे, तो दैट वाज संडे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन बच्चे। विजिटिंग, सैर करना या सैर कर रहे हैं। फार्म, फार्म की। राइडिंग, सवार होना या सवारी कर रहे हैं। हॉर्सेस, घोड़े। हॉर्सेस मीन घोड़े। स्लोली, आहिस्ता से। स्लोली मीन आहिस्ता से। प्लेइंग, प्लेइंग खेलना। प्ले खेलना, प्लेइंग खेल रही है। किटन्स, बिल्ली के बच्चे। किटन्स बिल्ली के बच्चे। बार्न, बाड़ा। जानवरों के बाड़े को हम बार्न कहते हैं, बार्न। ग्रास, ग्रास घास। ये जो घास उगी हुई है इसको हम, ये जो ग्रीन है जिसके ऊपर ये एनिमल्स और ये मरियम भी है बैठी हुई, लैम्स भी हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड ग्रास। ग्रास मीन घास। चिकन्स, चिकन मीन्स मुर्गियाँ। मुर्गियाँ भी हैं इधर आपको नज़र आ रही हैं एरो के साथ। लुकिंग फॉर, तलाश करना। लुकिंग फॉर, तलाश करना। वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े। चिकन्स जो ज़्यादातर कीड़े मकोड़े तलाश करते हैं किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। बार्किंग, भौंकना। भौंक रहे हैं, भौंक रहा है। कैट बिल्ली। लैम्स, बकरी के बच्चे को हम लैम कहते हैं, मेमना भी कहते हैं इसको। फील्ड बीन खेत। फार्मर किसान। ड्राइविंग, ड्राइविंग चलाना। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। फास्ट तेज। ये हमने डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब हमें इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट लाइन इट इज संडे। जैसे मैंने आपको बताया संडे इतवार का दिन है, इट इज़ संडे, ये इतवार का दिन है। द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म। द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म। बच्चे फार्म की सैर कर रहे हैं। समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस। राइडिंग जैसे मैंने आपको बताया सवार होना, सवारी करना। हॉर्सेस घोड़े। निदा और समी घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, ये एरो के साथ आपको दिखाया गया है। ये दोनों, ये निदा है, ये समी है, घोड़े पर बैठे हैं और सवारी कर रहे हैं। दे आर गोइंग स्लोली, ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मरियम इज प्लेइंग, प्लेइंग मीन खेलना, विद द किटन्स। किटन्स मीन्स बिल्ली के बच्चे। ये देखें, ये बिल्ली के बच्चों के साथ मरियम खेल रही है। मरियम इज प्लेइंग विद द किटन्स। मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है। द काउज आर इन द बार्न, बार्न मीन बाड़ा।
ये बाड़ा है इनका, गोदाम टाइप बनाया हुआ है यहाँ। बाड़ा, बाड़ा मतलब जहाँ हम जानवरों को रखते हैं। गाय अपने बाड़े में है, दे आर ईटिंग ग्रास, ये घास खा रही है, ये इनके आगे घास पड़ी है, ये घास खा रही हैं। ईटिंग मीन खाना। द चिकन्स आर लुकिंग फॉर वॉर्म्स, चिकन्स मीन मुर्गियाँ, लुकिंग फॉर ढूंढ रही हैं वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े। मुर्गियाँ कीड़े मकोड़े तलाश कर रही हैं। द डॉग इज बार्किंग एट द कैट, कुत्ता बार्किंग मीन भौंकना, बिल्ली के ऊपर भौंक रहा है, कुत्ता बिल्ली के ऊपर भौंक रहा है। ये देखिए, ये है कुत्ता, ये बिल्ली है, इसको देख कर ये भौंक रहा है। द लैम्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, मेमने या बकरी के बच्चे खेत में खेल रहे हैं, ये खेत में ये खेल रहे हैं। द फार्मर इज किसान, फार्मर मीन किसान, इज ड्राइविंग, ड्राइव कर रहा है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चला रहा है, ये फार्मर है, ये ट्रैक्टर चला रहा है। द ट्रैक्टर इज गोइंग फास्ट, ट्रैक्टर तेजी से चल रहा है। स्टूडेंट्स, कल का क्वेश्चन हमारा ये था, डू यू नो व्हाट अ ट्रैक्टर इज यूज फॉर ऑन अ फार्म, ट्रैक्टर के हम फार्म पे क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके दो तीन आंसर्स हमारे पास आए हैं, इसमें से ये एक तो ये है कि ये ट्रैक्टर जो है ये हल चलाने के काम आता है, यहाँ से ये जो है हमारे जानवरों का चारा लेके जाना, लेकर आना, और बहुत सारे काम जो हैवी किस्म की जो चीज़ें हैं जो फार्म से एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गन्ना है, फसल है, इसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रैक्टर ही इस्तेमाल होता है। बहुत सारे यूजेस हैं, आप इनको सर्च आउट कीजिएगा और अपने पेरेंट्स से पूछें, या फिर नेट पे या गूगल पे आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रैक्टर। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।